खेत में टूटे पड़े बिजली के तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के 3 घंटे तक न पहुंचने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया। जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे पर भनभारण गांव में खेत में काम कर रहे मुकेश पिता नत्थू को बिजली के टूटे तार के कारण करंट लग गया। करंट लगने से मुकेश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। खेत मालिक और किसानों ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन कोई भी जवाबदार अधिकारी 3 घंटे तक नहीं पहुंचा, जिसमें ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया। गुस्साए ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर बैलगाड़ी अड़ाकर चक्का जाम कर दिया। सैकड़ों की संख्या में किसान सड़क पर डट गए। दोनों छोर पर लंबा लंबा जाम लग गया। पुलिस को सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार और पुलिस बल घटनास्थल पहुंचे। किसानों को समझाने का प्रयास किया गया। गुस्साए ग्रामीण 2 घंटे तक सड़क पर बैठे रहे। जमकर नारेबाजी की हंगामा हुआ। किसी तरह कार्यवाही का आश्वासन देकर किसानों का चक्का जाम समाप्त कराया। शव को सिविल अस्पताल सनौद भेजा गया। शव का पीएम कर शव ग्रामीणों के सुपुर्द किया गया। इस 2 घंटे चले चक्का जाम में सड़क के दोनों ओर लगभग 5-5 किलोमीटर तक वाहन की कतारें लग गई थी। खरगोन से जतिवारी रिपोर्ट। हम भानभरड़ में एक युवक के करंट से मौत हो गई थी। विद्युत विभाग की लापरवाही से मौत होने के कारण ग्रामीणों की मांग थी कि उनको यहाँ बुलाया जाए और यहाँ की परिस्थिति से अवगत करा जाए कि कैसी लापरवाहियाँ यहाँ पर बरती जा रही है। उसी को लेकर, उनको बुलाने के को लेकर इन ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। क्या निराकरण हुआ इस मामले? बाद में मौके पर बुलाया गया, विद्युत विभाग के अधिकारियों को वहाँ पर मौके पर बुलाया गया और सभी चीज़ों से अवगत कराया गया, क्या क्या समस्याएँ हैं ग्रामीणों की, कुछ जो भी समस्याएँ थी उनको दिखाया गया और उनको दुरुस्त करने को कहा गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।